वहीं ग्वालियर पुलिस ने सीएम सचिवालय का फर्जी अधिकारी बनाकर ठेकेदार को धमकाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल यह मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के डीडी नगर का है, जहां ठेकेदार रविशंकर श्रीवास्तव ने बीते दिन एक युवक के खिलाफ टेंडर न डालने और 30% कमीशन के लिए धमकाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एक क्राइम ब्रांच ग्वालियर में एक आरोपी है जिसका नाम है मन्नू उर्फ अभिमन्यु, इसकी अरेस्ट की गई है। ये बेसिकली ग्वालियर में एक फर्म थी जो नगर पालिका नगर निगम से टेंडर वगैरह लेती है। तो इस आरोपी ने अपनी झूठी पहचान स्थापित करके अपने उच्च संपर्कों का हवाला दिया और उसको पहले तो ये धमकाया गया कि वो भिंड और मुरैना के टेंडर ना डाले। बाद में इस व्यक्ति ने इसको भोपाल बुलाया, भोपाल में मैरियट होटल में इनकी मीटिंग हुई। मैरियट होटल में उसके द्वारा बताया गया कि आपको यदि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के टेंडरों में काम करना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, और जो बड़े टेंडर हैं जो कि 50,000 टन के ऊपर के टेंडर हैं उन टेंडरों में भागीदारी ना करें। यदि आप इन टेंडरों में भागीदारी करना चाहते हैं तो 30% का हमको शेयर देना पड़ेगा। इसके बाद से जो व्यक्ति यहाँ की जो फर्म थी SR मैप टेक्नोलॉजी, इसकी फर्म का जो मालिक है रविशंकर, इसने क्राइम ब्रांच थाने पहुंच के रिपोर्ट की कि अभिमन्यु नाम का व्यक्ति है जो अपने को मुख्यमंत्री सचिवालय में काम करना उससे जुड़ा हुआ बताता है और इसके दबाव और प्रभाव के कारण हम लोग जो बड़े टेंडर हैं उसमें भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज की गई धोखाधड़ी और अड़ीबाजी के संबंध में। इसके बाद इसको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। अभी ये 5 दिन की पुलिस रिमांड पे है। इससे प्राइमरी पूछताछ में पता लगा है कि व्यक्ति मूल रूप से इटारसी का रहने वाला है। इसका नाम मन्नू है। अभिमन्यु नाम का कोई भी डॉक्यूमेंट इसने अभी प्रोड्यूस नहीं किया है।